नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के मामले में। जी हाँ भाई, दुबई का आपको पता है एक्सपो 2020 अभी 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाने वाला है अक्टूबर से। जी हाँ, ये लंबा चलेगा भाई। अक्टूबर बता दूं, अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2022 तक चलेगा, यानी 6 महीने का प्रोसेस रहेगा। अब 6 महीने के दौरान क्या दुबई अपनी किस्मत बदलने वाला है, इतिहास रचा जाएगा एक तरीके से, और बता दूं इतने पैसे कमाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, और इसमें जॉब से रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि किन लोगों को आगे मौका मिलेगा और दुबई एक बूम बन के उभरेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। जी हाँ, और इंडियन लोगों को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे कि अभी आने वाले समय में कितना आप अगर लोग दुबई जाते हैं तो कितना खर्चा होगा, दुबई इंडिया से कितने पैसे कमाएगा। जी हाँ, आप लोगों से और इंडिया के कितने लोग जाने वाले हैं आने वाले समय में, जो आप सोच नहीं सकते 6 महीने के दौरान। पूरी हम डिटेल से बात करेंगे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, बता दूं दुबई एक्सपो 2020 जो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, जो मार्च 2022 तक चलेगा। जी हाँ, इसमें बता दूं सबसे ज़्यादा 191 यानी 191 कंट्रीज के लोग या फिर कंट्रीज भाग लेंगी इसमें। जी हाँ, अलग अलग देशों ने अलग अलग अपने पवेलियन बनाए, यानी अपने स्टाल, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी अपनी जगह बनाई है कि अपने अपने देशों ने अपनी अपनी जगह बुक कर ली, अच्छे अच्छे वहाँ डेकोरेट किया, काफ़ी सारा खर्चा किया। जी हाँ, अगर इंडिया की बात करें तो भाई इंडियन सरकार ने दुबई एक्सपो में 500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं। जी हाँ, आप ये मत समझना कि दुबई में जो आप चकाचौंध देख रहे हैं, जो दुबई के लोग एक्सपो में जाएंगे या आप इंडिया के लोग दुबई में एक्सपो में जाएंगे तो दुबई इतना खर्चा करने वाला नहीं है भाई। दुबई के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो पूरे वर्ल्ड को एक जगह मेंटेन कर ले। जी हाँ, सभी देशों ने अपने अपने स्तर पे पैसे लगाए। इंडियन सरकार ने 500 करोड़ रुपए लगाए हैं जहाँ पे अपना पवेलियन बनाया है। आप जाओगे दुबई में या जा रहे हो तो देखे होंगे इंडियन पवेलियन अलग ही दिखा, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड वगैरह सबके अलग अलग हैं। इंडियन भी आप देखोगे वहाँ पे अपना पवेलियन मिलेगा, उसमें इंडियन सरकार ने 500 करोड़ का इन्वेस्ट करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। जी हाँ, अब उसमें बात करें तो 191 कंट्रीज़ के लोग भाग लेंगे उसमें। देखिए होना क्या है भाई, आने वाले जो 6 महीने हैं ना, वर्ल्ड लेवल पे दुबई के लिए एक तरीके से वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी देशों के जो भी वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो आविष्कार समझ सकते हैं, कुछ भी अलग क्रिएटिविटी होती है, वो वहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे लोग दिखाएंगे। काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारा सिस्टम डेवलप होगा, इन्वेस्टर पहुँचेंगे, बिजनेस डेवलप होगा, दुबई की इकोनॉमी को 4 चांद लग जाएंगे भाई, जो आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, इस तरह से होने वाला है। इंडिया की अगर बात करें तो बता दूं एक मोटा आंकड़ा मेरे पास निकल के आया है भाई, इंडिया के भी बहुत सारे यानी लाखों की संख्या में आने वाले समय में जाने वाले हैं इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचेंगे दुबई में। एक मोटा मोटा अगर आंकड़ा ना निकाले तो इंदौर की एक न्यूज़ मेरे पास निकल के आई है भाई। इंडिया में MP स्टेट आपको सबको पता है, इंदौर वहाँ का स्टेट है, राजधानी है। वहाँ की एक न्यूज़ निकल के आई है कि लगभग दिसंबर के अंदर आप यकीन मानिए 10,000 लोग पहुँचेंगे इंदौर से दुबई के लिए। जी हाँ, उनका अगर खर्चे की बात करें तो पर कैंडिडेट के 60,000 से 70,000 रुपये खर्चा बताया गया है। यानी आप मान के चलिए कि एक अकेले इंदौर के 10,000 लोगों का 50 करोड़ रुपये का बिजनेस होने वाला है। तो इंडिया के लाखों लोग पहुँचेंगे तो भाई दुबई का कितना करोड़ का बिजनेस होगा, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर आप समझ सकते हैं कि लगभग 190 कंट्रीज़ के पॉपुलेशन वहाँ पे पहुँचेगी तो कितना पैसा होगा। अब वहाँ पे दुबई जो लोग जाएंगे अभी आने वाले 6 महीने के दौरान, दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी UAE की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो भाई आपको पता है फिर महंगाई बढ़ेगी, होटलों के दाम बढ़ जाएंगे, फ्लाइटों की रेट भी बढ़ने की पूरे पूरे चांसेज हैं, क्योंकि टिकटें कम मिलेंगी, फ्लाइटें कम, आपको पता है कोरोना की वजह से। तो अभी भी टिकटों का अगर भाव देखा जाए तो 40,000 से 50,000 के भाव में इंडिया से या फिर आप दिल्ली से या फिर राजस्थान से अगर आप दुबई जाते हैं तो 40,000 से 50,000 के बीच में टिकट आ रही है। जी हाँ, नॉर्मल टिकट रहेगी, एक बंदा अगर 2-5 दिन भी दुबई होटल में रुकता है तो मिनिमम 25,000 रुपये उसका खर्चा आने वाला है। जी हाँ, और अगर एवरेज देखा जाए तो 60,000 से 70,000 रुपये मात्र और मात्र उसका 7 से 7-8 दिन का खर्चा एक बंदे का पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लाखों लोग दिसंबर में जाएंगे। वी सरकार ने भाई प्लानिंग के तहत ये एक्सपो बनाया, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा, आपको सबको पता है दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आने वाले अक्टूबर में जैसे थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में गर्मी एकदम बिल्कुल ख़त्म होके और सर्दी का एकदम नॉर्मल मौसम आ जाता है,
तो उस दौरान ट्रेवलिंग वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रेवल करना चाहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो लोग जाएंगे गर्मी का चक्कर नहीं रहेगा, गर्मी आपको पता भाई वे में कितनी ज़्यादा भयंकर पड़ती है, तो गर्मी में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये जो आने वाले 3 महीने है ना, दिसंबर जनवरी और फरवरी, उसमें बहुत कम गर्मी पड़ेगी और भीड़ भी वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। जी हाँ, अब जॉब की बात करें तो भाई वे में देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगले अक्टूबर से लेके आगे आने वाले 6 महीने के दौरान। जी हाँ, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो आपको सीधी सी बात है भाई, अभी कोरोना का एकदम मैटर भी खत्म होने के कगार पे 90% दुबई में कोरोना खत्म है, 5-10% बचा है, वो आने वाले अक्टूबर में ये समझ लो कि पूरा एकदम तामझाम खत्म हो जाएगा। तो अब अभी आपको पता है वी ने मास्क का वाला सिस्टम भी हटा दिया गया, तो इस वजह से और भी बहुत सारी सुविधाएँ वो मिलने लग जाएंगी। तो जो एक्सपो की वजह से जो है ना वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, हर चीज़ में बिजनेस बढ़ता है तो भाई फिर जॉब तो वो तो दुबई वाले लोग से एक तो नौकरी करने से रहे, नौकरी तो बाहर के लोग ही जाके वहाँ पे करेंगे, समझ गए बात को। तो बिजनेस का बिजनेस के पर्पज़ से जॉब से जॉब के पर्पज़ से जॉब बहुत सारी इकोनॉमी बढ़ने की वजह से जॉब को जॉबों का एक तरह से बूम होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दुबई में जाने के लिए तो भाई अभी आप जा सकते हैं, हालांकि टिकट महंगी है नो डाउट, 40,000 तो कम से कम आप टिकट का मांग सकते हैं। अब अक्टूबर में उम्मीद क्या करें, वो तो सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करेगा कि फ़्लाइट एक धड़ाक से पहले जो चल रही थी उसी तरीके से चलने लग जाती हैं तो भाई फ़्लाइटें कहाँ यार, हमारे राजस्थान जयपुर से 8,000 में टिकट मिल रही थी, ऑन द स्पॉट बुक करवाने पे 8,000 रुपये, उसी के आज 50,000 रुपये लग रहे हैं। तो एक आम आदमी जिसके पास लिमिटेड बजट है उसके लिए संभव नहीं है भाई दुबई जाना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा महंगा वहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी। 25-30 लाख या लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचेंगे वो रहेंगे ना दुबई में, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, रहना कहाँ है भाई, होटलों में रहेंगे, अकोमोडेशन में रहेंगे, होटल्स में रहेंगे, वो रहेंगे तो वो बुक होंगे पूरे, तो फिर प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। कोरोना काल में आपने देखा यार, जो रूम वहाँ पे 300 AD में मिल रहा था वो मात्र 100 AD में मिल रहा था, 100 दिरहम में, लेकिन क्यों मिल रहा था, भीड़ नहीं थी, कोरोना खाली पड़े थे, खर्चा निकालना मुश्किल था। अभी जैसे उसकी रफ्तार कोरोना की कम हुई, एक्सपो 20 बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी तो रूम एकदम फुल मिलेंगे, तो भाई अपने आप प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी फिर। तो आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी आपको लगता है कि डायरेक्ट वहाँ आप बिना खर्चे रुक सकते हैं या डायरेक्ट कंपनी में जा रहे हैं, विजिट टू वर्क में जा रहे हैं, तो आपके लिए टिकट के अलावा सब कुछ आसान हो सकता है, बाकी आपकी समझ है। बाकी भाई मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी कंट्री हैं सब ने अपने अपने पैसे खर्च करके वहाँ पे पवेलियन बनाए हैं, इंडिया का भी 500 करोड़ का इन्वेस्ट वहाँ पे हुआ है, इंडियन बहुत सारी लाखों की संख्या में कंपनीज वगैरह लोग बिजनेसमैन वगैरह जाएंगे, जो अपने अपने जो भी उनके पास हुनर वो दिखाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, क्या करेंगे वो तो आगे की रणनीति का हिस्सा है, आगे आने वाले समय पे पता लगेगा। बस ये अपडेट देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।